आज मैं आपको मटन और बीन्स की फली की रेसिपी दिखा रही हूँ। उसके लिए जो है ये मटन है, 200 ग्राम मटन है, 1.25 किलो के करीब बीन्स है, 2 प्याज, अदरक लहसुन, हल्दी, मिर्ची, नमक। अब कैसा करते प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, 2 डल्ली प्याज डाल दे रही हूँ। मटन भी डाल दे रही हूँ, इसमें 2 चमचे फुल अदरक लहसुन, 2 स्पून फुल अदरक लहसुन, 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चमचे मिर्ची, 2 चमचे मिक्स कर लीजिए। एक 1 ग्लास पानी डालिए, 1 ग्लास, 1 या 1.5 ग्लास पानी डाल के कुकर चूल्हे पे चढ़ा दीजिए। देखिए मैं लीड लगा दी, स्टोव ऑन कर रही हूँ, अब विसिल लगा रही हूँ। 3 विसिल के बाद इसको जो है 12 मिनट स्लो पे रखना है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए स्लो पे कर रही हूँ, 3 मिनट्स रखी मैं, अब आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह सालन कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए अब इसको पूरा भुनना है ताकि ये प्याज भी नज़र नहीं आना, गोश्त में पूरा फ्राई करे बाद फली डालते वक्त दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए माशाल्लाह ये पूरा भुने गया, तेल ऊपर आ गया। देखिए अब इसको ज़रा अच्छा भून लीजिए, देखिए अब गोश्त को अच्छा भून लीजिए ताकि तेल ऊपर आए तक। अब उसके बाद जो है मैं इसमें फली डाल रही हूँ, आप लोग फली डालिए। और ये जो है मैं कुकर में पका रही हूँ, खाली इसको थोड़ा सा पानी डाल के 2 विसिल दे के ऑफ करूँगी। अगर आप लोग भगोने में पकाना चाह रहे हैं ना, तो ये जो है आप विदाउट लिड लगाए थोड़ा सा पानी डाल के अपने लिहाज से 5-10 मिनट रख के पका लीजिए। हालांकि कुकर और भगोने में पकाने में टेस्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं होता, बस इतना है कि कुकर में जो है टाइम कम होता। देखिए अब थोड़ा सा पानी डाल के 1-2 विसिल लगाऊंगी, थोड़ा सा 1 कप पानी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं। अब 1-2 सीटी के बाद दिखाती हूँ। देखिए अब 2 विसिल के बाद 5 मिनट्स रखी थी मैं, अब बताती हूँ आपको विसिल निकाल के। देखिए देखिए माशाल्लाह फली भी कितनी अच्छी है। देखिए अब खाली इसको ज़रा 1-2 मिनट के लिए मैं सूखा कर लेती हूँ। एक 2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अब इसको ज़रा इसका पानी ज़रा ड्राई होने देती हूँ 1-2 सेकंड के बाद, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह फली भी अच्छी सॉफ्ट हो गई और जो है गोश्त भी अच्छा पक गया। ये आप जो है घर में पका के ट्राई करिए, और ये सालन जो है आप राइस के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, और कोई भी पतले सालन के साथ भी खा सकते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो जो व्यूवर्स देख रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।